हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। होप वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी और बेनिफिशियल भी होगी। तो क्वेश्चन नंबर वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ बीन रिटन बाय बिल गेट्स। दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया है कौन सी बुक है जो बिल गेट्स ने लिखी है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, द रोड अहेड। द रोड अहेड इज अ बुक रिटन बाई बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर टू है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हम जानते हैं मनहत्ता में है, यानी कि न्यूयॉर्क में है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द इनॉग्रल DLF इंडियन प्रीमियर लीग IPL ट्रॉफी चैम्पियनशिप वॉज वॉन बाई। तो ये IPL ट्रॉफी जो है वो किसने जीती है, राजस्थान रॉयल्स। क्वेश्चन नंबर फोर है, दादा साहिब फाल्के अवार्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1969 फॉर विच फील्ड। किस फील्ड में दिया जाता है ये अवार्ड, जो दिया जाता है फिल्म के फील्ड में दिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, दादा साहिब फाल्के अवार्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1969 इन द फील्ड ऑफ फिल्म। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज लॉन्च टू प्रमोट द बेसिक एजुकेशन इन इंडिया एंड अट्रैक्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल गोइंग एज टू अटेंड द क्लासेस। तो वो कौन सी स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है इंडिया में ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और स्कूल जाए। तो स्कीम का नाम है मिड डे मील स्कीम। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, जेनिपथ अवार्ड इज गिवन फॉर विच फील्ड। जेनिपथ अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो वो लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, INS इरावत इज इंडियाज। तो इंडिया की ये क्या है, एक शिप है जिसका नाम है एम्फीबियस शिप कहा जाता है INS रिवत को। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर एट है, साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। साइना नेहवाल जो है वो किस गेम के साथ एसोसिएट है। करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर नाइन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द दास कैपिटल। दास कैपिटल के ऑथर कौन थे। क्वेश्चन नंबर नाइन का जो आप करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, कार्ल मार्क्स इसके ऑथर थे। क्वेश्चन नंबर टेन है, द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, पूछा गया इन स्टेटों में से जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास होता है। करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो मिजोरम है। मिजोरम वो स्टेट है जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। क्वेश्चन नंबर एलेवन की तरफ मूव कर रहे हैं, हाइस्ट अवार्ड गिवन टू सिविलियन इन इंडिया इज। हाइस्ट अवार्ड जो किसी भी सिविलियन को दिया जाता है इंडिया में, उस अवार्ड को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन्स द इजी डे रिटेल स्टोर। कुछ कंपनीज के नाम दिए गए हैं, पूछा गया इजी डे जो रिटेल स्टोर चल रहा है तो उसका ऑनर कौन है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका 12 का वो बी होगा, भारतीय रिटेल। भारतीय रिटेल ऑन द इजी डे रिटेल स्टोर। क्वेश्चन नंबर 13 है, नो तंबाकू डे इज ऑब्जर्व ऑन। नो तंबाकू डे कब मनाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका होगा वो 31 मई है, 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सितंबर 8 इज ऑब्जर्व एवरी ईयर एज। सितंबर 8 सितंबर को हम क्या मनाते हैं हर साल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वर्ल्ड लिटरेसी डे। वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिग बाजार चेन ऑफ स्टोर्स इज रन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। बिग बाजार जो शॉपिंग मॉल चलते हैं, बहुत सी चेन्स हैं इनके, हर जगह हर बड़ी स्टेट में इनके स्टोर होते हैं या मॉल होते हैं। तो ये जो बिग बाजार है ये किस ग्रुप का है, फ्यूचर ग्रुप। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो सी है, फ्यूचर ग्रुप। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और बेनिफिशियल होगी आपके लिए वीडियो। मैं कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने, आपका डाटा भी खर्च ना हो, ताकि आप अपना कीमती टाइम जो है वीडियो पे ज़ाया ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इन क्वेश्चनों को मैं अपने जो फेसबुक पेज है उन पर अपलोड करता हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे वहाँ से डाउनलोड करना।